मॉर्निंग यू टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो जी होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आज है 14 सितंबर और दिन है बुधवार का, और आप देख सकते हो आज मैं सुबह ही आ गई हूँ। 7:30 हो रहे हैं सुबह के, और धूप देखो कहाँ पहुँच गई 7:30 बजे। और ये देखो पर्पल हार्ट के फ्लार। तो आज गाइज आपके लिए बहुत बड़ा सा सरप्राइज है। तो करते हुए तो मैंने आपको नहीं दिखाया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे कॉलियस कितने सुंदर हो रहे हैं, और ये देखिए, और यहाँ पे दिखाती हूँ आज अपराजिता में कितने सारे फ्लावर निकले हैं गाइस। ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्लावर निकले हैं गाइस आज अपराजिता में। और ये देखो मेरी अल्टरनेंट्रम खड़ी हो गई है अच्छे से। और सरप्राइज देखो मैंने कलर कर दिया अपने बहुत सारे गमलों पे। और ये देखो सरप्राइज ये है बहुत बड़ा सा सरप्राइज गाइस, जो कि मैं आपको देना चाहती थी। ये देखिए सारी बोतल्स, ये देखो जितनी भी मेरे पास बोतल हैंग हुई थी वो सब मैंने पेंट कर दिया। आप देख सकते हो कितनी क्यूट सी लग रही है ना, और पहले ही इनमें काई काई नज़र आ रही थी, है ना। अब देखो कितनी क्यूट लग रही है। तो कल शाम को मैंने 2-3 घंटे यही काम किया, और मेरे पास गाइस पेंट नहीं था, रखा हुआ था, तो जितना था मैंने उतने में ही कर दिया। अभी काफ़ी सारे मेरे रह भी गए हैं, तो मैं वो बाद में करूँगी। ये वाला देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, है ना। और यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही क्यूट लगते हैं पेंट करने के बाद। तो मेरे पास एक वाइट ही पेंट था और ब्लैक कलर का कलर था, तो उसमें मैंने ब्लैक मिलाया तो ये ग्रे बन गया, और उसके बाद वाइट में से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, उससे बूंदी करी है, तो वाइट ज़्यादा था नहीं मेरे पास जो मैं डिज़ाइन बनाती, तो मैंने एक ही डिज़ाइन बना दिया बूंदी वाला, डॉट डॉट वाला। तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, आपको दिखाती हूँ सारा गार्डन कितना क्यूट सा लग रहा है। और देखो एरेंथिमम का गमला भी कर दिया मैंने, कितना मस्त लग रहा है ना गाइस, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अभी मेरे बहुत सारे गमले रहते हैं लेकिन मेरे पास पेंट ख़त्म हो गया गाइस, तो ये जो पड़ा हुआ था ना मैंने कहा देखती हूँ कितनों में हो जाएगा, तो काफ़ी सारों में हो गया, छोटे छोटे थे ना ये, तो काफ़ी सारों में हो गया, और मैंने पानी मिला के, और ये कौन सा वाला पेंट है मैं बताती हूँ आपको, रुको। अरे यार मैं तो नाम ही भूल गई गाइस, अपेक्स, हाँ याद आ गया। तो ये अपेक्स है, मम्मी के यहाँ से लाई थी मैं, मम्मी ने उसमें किया था किचन में फर्श पे, तो बस फर्श पे किया था किचन में, छोटी सी किचन है, उसका पूरा बॉक्स में ले आई थी, इतना बड़ा बॉक्स होता है ये अपेक्स का, जितना बड़ा ये है। और इसमें मेरा इतना था, कम से कम इतना था, तो पहले मैंने इस गमलों में करा था तो इतना यूज हो गया था इतना, अभी मेरे पास इतना पड़ा था, उसमें मैंने और पानी मिला लिया इतना करके, और सारों में कर दिया, और काफ़ी अच्छे से अब मेरे गमले लग रहे हैं। आप देख सकते हो कितने क्यूट से लग रहे हैं ये, टूटे फूटे। और ये वाला देखो, आप पिछली वीडियो में जाके देखना मेरे ये कितने गंदे लगते थे, काई काई सी लगी हुई थी, और अभी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वाइट वाला कलर हो गया था ख़त्म, तो मैं इस पे और इस पे डॉट नहीं धर पाई, लगा पाई। तो कैसी लगी आज की मेरी मेहनत, कल की मेरी मेहनत, आज की नहीं, तो आज तो सुबह ही सुबह शूट करने आ गई हूँ। ये देखो इनमें भी कर दिया था, और ये वाला गाइस बहुत ज़्यादा गंदा लगता था, जिसमें ये अपराजिता की बेल मैंने लगाई थी और चांदनी सूख गई थी, तो ये इसमें ना इतनी काई काई नज़र आती थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसमें भी कर दिया। अब कितना क्यूट लग रहा है, लेकिन बूंदी नहीं करी है इसमें, डॉट नहीं रख पाई मैं, क्योंकि डॉट के लिए ख़त्म हो गया था, तो अभी देखूँगी कब लेके आऊँगी, है ना। अभी फ़िलहाल ओहो आज तो देखिए रेन लीली में कितने सारे फ्लावर निकले हैं गाइस, वाओ बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। तो ये तो थी आज की मेरी गार्डन अपडेट, मुझे बहुत खुशी हो रही है सुबह से, मैं तो बहुत खुश हूँ आज अपने गार्डन में, सुबह आई ना सब कुछ एकदम नया लग रहा है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है एकदम, मैं तो झूमने लगी नाचने लगी, है ना गाइस। आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताना। ये देखो नींबू का भी कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 3 करे हैं, एक ये करा है, एक ये करा है, एक ये करा है, कितने की ऊँट से लग रहे हैं देखो, है ना। और ये जो थे पहले हुए पड़े थे, तो
यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दो तीन चार चार करे हैं। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैंने किया है एक मनी प्लांट वाला, एक ये टोकनी, एक ये तीन, और एक यहाँ पे करा है चार, और एक ये मैंने जेड प्लांट वाला करा है, बहुत ही गंदा लगता था, एक ये कनेर वाला करा है और कहीं नहीं करा। ये दो करे हैं, डॉट नहीं कर पाई इन पे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये दो करे हैं, है ना, सुंदर लग रहे हैं ना गाइस। तो कैसी लगी आज की मेरी गार्डन अपडेट? थोड़ी थोड़ी ना पन्नियाँ वगैरह पड़ी हैं क्योंकि इन बोतलों में से जो पन्नियाँ निकली थी ना वो मैंने हटाई थी, ये देख सकते हो आप। बाकी मेरी छत एकदम क्लीन है, मैं और क्लीन करूँगी। तो कैसी लगी आज की मेरी गार्डन अपडेट? और आप भी कर सकते हो ऐसे वेस्ट चीज़ों को यूज़। ये बोतलें हैं गाइज, कितनी क्यूट लगती हैं कलर होने के बाद, इसकी तो मैंने पन्नी भी नहीं हटाई है। और इसमें गाइज ये टेप, ये टूटा हुआ डब्बा था तो मैंने टेप बहुत सारी लगाई हुई थी और मैं टेप के ऊपर ही कर दिया। आप देख सकते हो डब्बा कितना अच्छा लग रहा है, वरना पिछली वीडियो में जाके देखना कितना गंदा लग रहा था ये, और इसमें हुआ पड़ा था पहले से ही। और ये वाला गाइज इतना काला पड़ गया था काई की वजह से, और अब आप देखिए सिंगोनियम कितना क्यूट लग रहा है, बस मन कर रहा है निहारती रहूं देखती रहूं। वाओ यार, इतने दिनों से ये पेंट रखा था और मैं सोच रही थी कि वो कम है, पूरों में हो नहीं पाएगा, तो मैं बाद में करूंगी और लाऊंगी जब, लेकिन मैंने कहा जितनों में हो जाएगा उतनों में कर देती हूं, और काफ़ी सारों में हो गया गाइज़। ये छोटे छोटे होते हैं इसलिए काफ़ी सारों में मेरा हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पर तो मैंने एक दो तीन में हो गया, यहाँ पर तो मेरे सब कुछ बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप बताना कैसा लगा आपको आज की वीडियो, कैसी लगी। चलिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू।